नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक सही है। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। वीडियो का जो टॉपिक है वो है YouTube से रिलेटेड और YouTube वीडियोस से रिलेटेड। आपने देखा होगा, जब भी आप अपने PC पर या लैपटॉप पर YouTube वीडियोस प्ले करते हैं तो YouTube का जो रिजोल्यूशन होता है वो ऑटो पे सेट होता है। तो वो आपके इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको रिजोल्यूशन सेट करके देता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड हाई है या आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है हाई स्पीड, तो आपका यूट्यूब आपको हायर रिजोल्यूशन पे वीडियो दिखाता है। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपका जो यूट्यूब है वो आपको लोअर रिजोल्यूशन पे वीडियोस दिखाता है। जो रिजोल्यूशन रहता है वो 144 पिक्सल से लेके 1080 पिक्सल या उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो 4K तक रहता है, अगर वीडियो 4K फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास लिमिटेड इंटरनेट है बट आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो भी आपका जो यूट्यूब है वो आपको हायर रिजोल्यूशन पे वीडियो दिखाएगा और बहुत जल्द आपका इंटरनेट का डेटा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन यूट्यूब हमें देता नहीं है जहाँ पर हम ऑटोमेटिक अपने चॉइस का रिजोल्यूशन सेट कर पाएँ। कई बार क्या होता है यार, अगर हमारे पास लिमिटेड इंटरनेट है तो हमको बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो हम 144 पिक्सल में देख के भी काम चला सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं जिनको हमको हायर रेजोल्यूशन 360 480 पिक्सल पर देखना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे हम YouTube के रिजोल्यूशन को अपने हिसाब से सेट कर सकें हर वीडियो के लिए, तो उसका सॉल्यूशन लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपके पास आया हूं। तो चलेंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा किस तरह से आप रिजोल्यूशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए जो मेथड है वो आपको गूगल क्रोम के थ्रू बताऊँगा। बट अगर आप में से कुछ लोग गूगल क्रोम यूज़ नहीं करते हैं, कोई दूसरे ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे कि मोज़िला है, एज है, तो वो भी सेम मेथड के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको आगे बताऊंगा कैसे आप वो करेंगे। तो सबसे पहले YouTube ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो YouTube मैंने ओपन कर लिया है, तो कोई एक वीडियो आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये एक वीडियो हमारा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही वीडियो ओपन होता है तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं, प्ले, नेक्स्ट वीडियो, वॉल्यूम, इसके आगे आपको दिखता है ऑटो प्ले, सबटाइटल, और इसके आगे आपको ऑप्शन दिखता है सेटिंग का। तो सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, एम्बियंट मोड, नोटेशन, प्लेबैक स्पीड और क्वालिटी। तो जहाँ पर देखिए आपको क्वालिटी लिखा हुआ दिख रहा है तो यहीं पर आपको आपके वीडियो का रिजोल्यूशन दिखता है जो डिफ़ॉल्ट में ऑटो में सेट होता है। तो यूट्यूब की तरफ से आपको ऑटो में वीडियो की क्वालिटी दिखाई जाती है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो YouTube आपको हायर क्वालिटी में वीडियो दिखाएगा, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वो आपके इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको रिजोल्यूशन कम करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो इंटरनेट है उसकी स्पीड अच्छी है, वाईफाई मेरे पास है, तो यहाँ पर देखिए जो वीडियो मुझे YouTube दिखा रहा है वो 1080 पिक्सल HD में दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके इंटरनेट की स्पीड कम है तो हो सकता है 144 पिक्सल पे दिखाए या 240 पिक्सल पे दिखाए। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड हाई है तब तो आपको कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपके पास लिमिटेड इंटरनेट है तो आप यार हर वीडियो को हायर क्वालिटी पे नहीं देख सकते हैं, और कुछ वीडियो आपको ऐसे भी होंगे जिनको आपको हायर क्वालिटी पे देखना पसंद होगा, बट आपके इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग YouTube आपको हर वीडियो लोअर रिजोल्यूशन पे ही दिखाएगा। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है, क्योंकि यहाँ पर YouTube ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है जिससे आप अपने चॉइस से रिजोल्यूशन चेंज कर पाए वीडियोज़ का। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक वीडियो में मैनुअल आपको रिजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन दिखा देता है, तो जो भी रिजोल्यूशन में आपने वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम ऑटोमेटिक इसको करें, या हर वीडियो पे आपको जिस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चाहिए वो कैसे आप सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम नया टैब ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जहाँ पर जाकर आप
अपने चॉइस से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रोसेस आपको आगे समझाऊंगा। तो एक्सटेंशन का नाम है इनहेंसर। तो यहाँ पर आप जैसे ही इनहेंसर टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इनहेंसर फॉर यूट्यूब, और यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाएंगी। जो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिख रही है वो है गूगल क्रोम के लिए, आपको यहाँ पर इनहेंसर दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ नहीं करते हैं तो आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम जो इनहेंसर है वो आपको फायरफॉक्स के लिए भी मिल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए भी मिल जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी ब्राउज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो हम सिंपल पहले वाले पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है इनहेंसर फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ऑप्शन आ चुका है ऐड टू क्रोम। तो जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम में, तो नया पॉपअप एक ऊपर से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड एक्सटेंशन का, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन के ऊपर, तो कुछ समय लेगा ये, और यहाँ पर दो नए टैब ओपन हो जाएंगे। तो जो पहला टैब यहाँ पर ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा हाउ टू यूज़ इनहेंसर फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। तो इस टैब को हम बंद कर देंगे, और जो दूसरा टैब यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं सेटिंग्स। तो जहाँ पर हम चेंज करेंगे रिजोल्यूशन को, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आप डाउन स्क्रॉल कीजिए। डाउन स्क्रॉल जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेबैक क्वालिटी का। तो प्लेबैक क्वालिटी में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट अ प्लेबैक क्वालिटी। तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसको आपको टिक मार्क करना होगा। जैसे ही टिक मार्क करेंगे तो नीचे ऑप्शन जो है वो विजुलाइज होने लगेगा। पहला ऑप्शन है वीडियो का। तो यहाँ पर अगर आपको कोई वीडियो आप देख रहे हैं उसका रिजोल्यूशन सेट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कर देते हैं 360 पिक्सल पे। तो अब क्या होगा, जो भी मैं वीडियो YouTube पर चलाऊंगा वो 360 पिक्सल पर ही चलेगा। इसके नीचे ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। अगर आप मान लीजिए कोई प्लेलिस्ट देख रहे हैं, और कोई प्लेलिस्ट ऐसी है जो जिसमें 5 वीडियो हैं या 6 वीडियो हैं, और आप चाहते हैं कि यार वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनको हायर क्वालिटी पे ही देखना चाहते हैं, तो आप उसको हायर क्वालिटी पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेट कर दिया 720 पिक्सल पे, तो जब भी आप कोई प्लेलिस्ट रन करेंगे तो वो 720 पे चलेगी, और अगर आप कोई सिंगल वीडियो देख रहे हैं तो वो 360 पिक्सल पे चलेगा। इसके नीचे ऑप्शन है पॉपअप प्लेयर और एम्बेडेड वीडियोस। अगर आपने देखने हैं तो यहाँ पर भी आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, तो इसको हम 360 ही रहने देते हैं। तो ये तो है जो आप नॉर्मल यूट्यूब ओपन करके वीडियो देखते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है अगर आप फुल स्क्रीन पर अपने पीसी पर वीडियो देख रहे हैं, तो इस बॉक्स को भी चेक मार्क करेंगे। तो अब ऑप्शन है हमारे पास फुल स्क्रीन के लिए, सेम जैसे ऊपर ऑप्शन था वैसे ही है। तो फुल स्क्रीन पे भी हम अगर कोई सिंगल वीडियो देख रहे हैं तो उसको 360 पिक्सल कर देते हैं, और अगर कोई प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो उसको 720 पिक्सल कर देते हैं, और अगर कोई पॉपअप प्लेयर है या एम्बेडेड वीडियोस है तो उसको भी हम 360 कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना है, ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है। नीचे एक ऑप्शन है स्विच बैक टू द प्रीवियस प्लेबैक क्वालिटी व्हेन एग्जिटिंग द फुल स्क्रीन मोड। तो ये ऑप्शन इसके लिए है कि जैसे आप फुल स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं तो आपका रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा, बट जैसे आप फुल स्क्रीन क्लोज करके नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं तो वापस से जो आपने ऊपर सेट की है ये प्लेबैक क्वालिटी वाली पहले, तो वहाँ पर आप पहुँच जाए, तो उसके लिए आपको इस बॉक्स को चेक मार्क करना पड़ेगा। तो हम चेक मार्क कर देते हैं। तो बस अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको बंद कर देना है, और हम फिर से क्या करेंगे, कोई एक यूट्यूब का वीडियो प्ले करके देखेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो वीडियो है वो HD में चल रहा था, तो अब हम देखेंगे कि HD में चलता है कि नहीं चलता। तो देखिए वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम फिर से सेटिंग में आएंगे। तो सेटिंग में जैसे आए तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 360 पिक्सल हमने वहाँ पर सेट किया था इनहेंसर पे, तो अभी जो वीडियो है वो 360 पिक्सल पर ही चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।